पीछे आप देख रहे हैं ये ताजमहल का पूर्वी गेट है और इसी के पास में एक काली मस्जिद है जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, लेकिन अभी काफ़ी रौनक हो चुकी है ताजमहल खुलने के बाद से, तो यहाँ के भीड़ काफ़ी सारी देख सकते हैं आप। बैक कैमरे से मैं आपको यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये यहाँ का प्राचीन पंचेश्वर महादेव मंदिर है जो कि ताजमहल के पूर्वी गेट पर बना हुआ है, तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का सीन दिखाता हूँ कैसा है। तो सामने की तरफ है पूर्वी गेट की मार्केट और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर चश्मे वगैरह मिलते हैं और ये VIP रोड है जिसकी हम देखें। तो चलिए दोस्तों अब आपको लिए चलते हैं काली मस्जिद पर जिसे सांदली मस्जिद भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक मकबरा है जो कि कंदारी बेगम का मकबरा है जो कि ऊपर की तरफ बना हुआ है और यहाँ पर तीन बोर्ड लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ये एक भूतिया जगह है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। और दोस्तों जो मस्जिद है वो ऊपर की तरफ है, तो आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर और जो आपको मस्जिद और मकबरा दोनों दिखाते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो आए दोस्तों अंदर चलते हैं, आपको संकरी मस्जिद दिखाते हैं और जिसे काली मस्जिद भी कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं, तो अभी शुरुआत में ही हमें एक बिल्ली देखने को मिल गई, देख सकते हैं अभी इसका गेट है चूँकि अभी मियाँ कर रही है। और दोस्तों ये है काली मस्जिद के नज़ारे अंदर के। और दोस्तों अभी मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इस मस्जिद के बारे में जानकारी लिखी हुई है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो इस वीडियो को पुश करके। और दोस्तों सामने की तरफ है कंदारी बेगम का मकबरा और सामने है ये काली मस्जिद। तो सबसे पहले मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ यहाँ का, जो कि यहाँ की मेन जगह है ये। और दोस्तों बता दूँ कंदारी जो बेगम है वो शाहजहाँ की पहली बेगम थी जिनका ये मकबरा है जो कि बना हुआ है काली मस्जिद के पास और जिसे सांदली मस्जिद भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे जैसे कि देख पा रहे हैं आप। और दोस्तों जो मस्जिद है वो मेरे पीछे की तरफ है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो अभी आप ये बेगम का मकबरा देख लीजिए कैसा बना हुआ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ की मज़ार है और जो इसके पीछे की तरफ है वो यहाँ की मस्जिद है जिसे काली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। और दोस्तों बता दूँ यहाँ पर कुछ गाने वगैरह चल रहे हैं शादी पार्टी के। तो और दोस्तों ये सामने का सीन कुछ ऐसा देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारे झाड़ियाँ वगैरह हैं और यहीं पर कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है तो इसी वजह से गाने वगैरह की आवाज़ आ रहा है आवाज़ आ रही है। और ये यहाँ की है ये मज़ार है यहाँ की देख सकते हैं आप। और जो मस्जिद है वो आगे की तरफ है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा घुमा करके। तो अभी मैं घूम करके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको भाई यहाँ के नज़ारे तो कुछ ऐसे हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ की वीडियो लाया हूँ। और दोस्तों यह जो जगह है वो आगरा की हॉन्टेड जगहों में से एक है, यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्लियाँ मिली थी पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, पर उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ का मस्जिद का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये है यहाँ की मज़ार, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। काफ़ी की तरफ ही गार्डन है, यहाँ काफ़ी सारे बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं, तो कोई ऑफिस या कोई कार्यालय होगा ये, तो देख लीजिए आप दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो चलिए उसको बैक कैमरे से मैं आपको जो मस्जिद है यहाँ की मेन वो दिखाता हूँ। और दोस्तों सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक छतरी बनी हुई है और ये है दोस्तों यहाँ की काली मस्जिद और ये है कंधारी बेगम का मकबरा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सामने ऊपर से वाइट कलर का है और नीचे से लाल पत्थरों का बना हुआ है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और दोस्तों हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले यहाँ की एक वीडियो देखी थी, यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर कुछ भूत वगैरह का एहसास होता है यहाँ पर आते ही, लेकिन ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बिल्ली मिली हमें देखने के लिए, और जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर तो काफ़ी सारी बिल्लियाँ देखने को मिली थी और लोग कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड जगह है जो कि यहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ मुझे। काफ़ी शांत जगह है और घूमने लायक भी है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर आना चाहते हो आ सकते हो आसानी से। और यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ताजमहल के पूर्वी गेट पर आना है, वहाँ से एक राइट साइड में एक रास्ता गई है, वहाँ से ही आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाओगे। तो किसी से भी आप पूछ सकते हो जगह के बारे में जो कि काफ़ी फेमस है, ये यहाँ की काली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और ये देख सकते हैं आप ताजमहल का भी सीन थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ से, और ये है कंदारी बेगम का मकबरा और ये मस्जिद के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और दोस्तों ये यहाँ की मेन मस्जिद है
कुछ बच्चे वगैरह हैं जो यहाँ पर काम वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह। और ये बोर्ड भी लगा हुआ देख सकते हैं आप, जो कि कंधारी बेगम के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी है। और ये मस्जिद है यहाँ की काली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि पर्दा वगैरह पड़ा हुआ है अभी। तो यहाँ का कुछ सीन ऐसा ही था दोस्तों, जो कि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है यहाँ का, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई काली मस्जिद, जिसे सांदली मस्जिद भी कहते हैं लोग। और दोस्तों यहाँ पर एक कंधारी बेगम का मकबरा है, जो कि साझा की पहली बेगम थी ये, जो जिनका मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। और मस्जिद भी बगल में ही बनी हुई है, जो कि दोस्तों यहाँ की एक मैंने बात सुनी थी कि ये यहाँ का हॉन्टेड पैलेस है, लेकिन ऐसा कोई फील नहीं हुआ मुझे। और जगह भी ठीक ठाक है, घूमने लायक भी है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आसानी से पहुँच जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, बस ताजमहल के पूर्वी गेट से राइट साइड में जाना है थोड़ा ही दूर, बस वहाँ से ये आपको मस्जिद मिल जाएगी देखने के लिए। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको जो भी दिखाया वो बस इतना ही था इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।